हेलो पीपल, दिस इज़ योगेंद्र कोहली। आई होप यू डूइंग वेल। और आज मैं आपकी मदद करने फिर से आ गया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटफ्लिक्स पर ऑटो पेमेंट कैसे बंद की जाती है या कैसे कैंसिल की जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं कि वो एक लंबे ड्यूरेशन तक नेटफ्लिक्स को ना चलाते हुए, हर महीने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन की पेमेंट ना करते हुए, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स की ही पेमेंट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में ही वो सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करते हैं और उसी मंथ में वो दिन जी भर कर कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, जितना भी अभी तक अपलोड हुआ है, जितना भी अभी तक रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नेटफ्लिक्स हर मंथ ये नया नया कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट नहीं अपलोड करता है। उसके पर्टिकुलर कुछ मंथ्स होते हैं जहां पर बहुत बेहतरीन कंटेंट आता है, तो उस मंथ के लिए आपको नेटफ्लिक्स बाय करना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रो टिप है और कुछ नहीं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो आने वाले मंथ में अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा देते हैं, जिससे उनका पैसा बच जाता है। और वो जब भी उनका मन करता है, जिस मंथ भी उनका मन करता है कि अब इनफ कंटेंट आ गया है नेटफ्लिक्स पर और मेरे पास इनफ टाइम है देखने के लिए, तो वो रिचार्ज कर लेते हैं, फिर से रिन्यू कर लेते हैं फिर से, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑटो पेमेंट वाला फीचर जो कि नेटफ्लिक्स ने हमारे ऊपर डाल रखा है और हमारे अकाउंट खाली कर रहा है हर मंथ, इसको कैसे बंद किया जाए। और बी स्मार्ट, अगर स्मार्ट बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा, वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी, कि कैसे की जाती है ऑटो पेमेंट नेटफ्लिक्स की कैंसिल या फिर बंद या स्टॉप। बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वेबसाइट पर। आपके सामने एक वेबसाइट आ गई होगी, है ना। और इस वेबसाइट पर कॉर्नर पे आप देखेंगे तो एक आइकन बना हुआ है यूज़र का, है ना, ऊपर अपर कॉर्नर पे। तो वहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो खुलेगा, उसमें लास्ट से तीसरा अकाउंट नाम से एक आइकन होगा जिस पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आपकी मेंबरशिप कहां से कहां तक है, आपका कार्ड नंबर, वीज़ा, आपके कार्ड सेव होंगे उसमें, बहुत सारी डिटेल्स आपकी होंगी। वहीं साइड में एक यहां पे आइकन बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा कैंसिल मेंबरशिप। तो आपको करना यह है कि इस पर क्लिक करना है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मेंबरशिप आपकी इस मंथ की कैंसिल नहीं करेगा। इस मंथ तो आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आफ्टर नेक्स्ट बिलिंग सर्कल ये मेंबरशिप वहां से कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर अगले महीने जिस तारीख को आपको पेमेंट करनी होगी, ये वहां से आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देगा, मतलब कि आपके अकाउंट से ऑटो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। कैंसिल करने के बाद ये पूछेगा भी आपसे, दो तीन चीज़ें बताएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो कैंसिलेशन है वो नेक्स्ट बिलिंग मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अभी आप यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपने इस चीज़ के पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी। साथ ही में ये भी बोल रहा है कि 10 मंथ के लिए आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप चाहो तो रिन्यू कर लीजिए, हम आपकी प्रोफाइल एज इट इज़ रखेंगे, जो भी आपके फेवरेट्स हैं, जो भी आपके सिलेक्शन है, सब कुछ कलेक्शन आपका जो भी है वो हम आपका सेव करके रख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप दो तीन महीने बाद भी वापस आते हो नेटफ्लिक्स के पास, तो ये आपको बेदखल नहीं करेगा, ये आपको अपना लेगा। तो ये है इसका तरीका, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो नीचे एक आइकन होगा वो छोटा सा, जिसका नाम लिखा होगा फिनिश कैंसिलेशन, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। अगर उस पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। चलिए तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप की। तो एंड्रॉयड ऐप पर कैसे इसको कैंसिल किया जाए, सो लेट्स स्टार्ट। तो एंड्रॉयड ऐप का भी बहुत सिंपल सा मेथड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐप ओपन करिएगा नेटफ्लिक्स की, और कॉर्नर पे ऊपर एक यूज़र का प्रोफाइल का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप एक अलग विंडो पे पहुंच जाएंगे, है ना, वहां पर आपके और अदर्स यूज़र्स भी होंगे, उसके नीचे अकाउंट्स होगा, जैसे कि हमारे पीसी पर किया था सिम, वैसे ही अकाउंट होगा, थर्ड लास्ट, है ना, लास्ट से तीसरा अकाउंट होगा। अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा, अकाउंट का आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वहीं पे नीचे एक बहुत बड़ा सा बटन बना होगा जिस पे लिखा होगा साफ साफ कैंसिल मेंबरशिप, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देखो कितना आसान है, है ना, तो बहुत आसान है। इस पर क्लिक करेंगे, ये सेम चीज़ पूछेगा जो आप मैंने पीसी में बताया, ठीक है, वही चीज़ इस पर पूछेगा कि आपका जो कैंसिलेशन है वो इतने समय के बाद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, अब इसके बाद से आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, इसके बाद हम आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल, आपको फिनिश कैंसिलेशन करना है एंड देन
डन, ठीक है, ये आपको एक मैसेज भेज देगा, कुछ पूछेगा भी ये बाद में कि क्यों कैंसिल करना चाहते हो भाई, क्या बात है, मतलब हमसे कोई गलती हो गई क्या, तो आप कोई ना कोई एक इनमें से सेलेक्ट करके, है ना, कोई ना कोई रीज़न आप भेज दीजिए। ये तो नेटफ्लिक्स ये चीज़ एक फीडबैक की तरह लेता है कि ताकि ये इन फ्यूचर अपने फीचर्स में, अपनी क्वालिटी में ये इम्प्रूवमेंट ला सके। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार चलो पीसी का भी बता दिया, है ना, स्मार्टफोन का भी बता दिया, अब यार स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी का भी बता दो कि इसमें कैसे कैंसिल करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये कैंसिलेशन वाला फीचर सिर्फ फ़ोन और आपका ये पीसी पर ही अवेलेबल है ना, स्मार्ट टीवी पर नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा फ़ोन या पीसी से ही कर दीजिए इसको, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। बाकी अगर इन केस इन फ्यूचर ऐसा कुछ आता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। सो ये डन होने के बाद जो नेटफ्लिक्स का ऑटो पेमेंट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और इन फ्यूचर आप अपने अकाउंट को रिन्यू कर सकते हो। अब रिन्यू कैसे करना है ये तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे अगर आपको समझ में ना आया हो, और उनके समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक दूसरे की मदद ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और आपको स्मार्ट बनाने के लिए हम ला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेंट। तो प्लीज़ स्टे विद अस, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे और साथ ही में हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, और हाँ लाइक कर देना इस वीडियो को जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।